हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंटीनेट एजुकेशन प्रिपरेशन आज के सीक्वेंस के रिगार्डिंग हम लोग जो नया टॉपिक करेंगे दैट इज़ गोल फ्री इवेल्युएशन मॉडल स्टूडेंट्स गोल फ्री एवेल्यूएशन मॉडल भी कैरिकुल इवेल्यूएशन से रिलेटेड ही एक मॉडल है इससे पहले हम लोग कैरिकुलम इवेलूएशन से रिलेटेड दो मॉडल्स कर कर चुके हैं रॉल्फ टाइलर मॉडल भी हम लोगों ने कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने कल किया था सिप मॉडल दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको भी ज़रूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं गोल फ्री एवेल्यूशन मॉडल बेसिकली दिस मॉडल वॉज डिवेल्प्ड बाई माइकल स्क्रीवेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे बैचलर्स एंड मास्टर्स फ्रॉम मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया एंड पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखिए अगर हम लोग गोल फ्री एवेल्यूशन मॉडल की बात करते हैं तो जैसा कि आप इसके नाम से ही ले पा रहे होंगे कि एक ऐसा मॉडल जिसमें जब कैरिकुल की एवेल्यूशन की जाती है तो गोल फ्री होता है अब गोल फ्री कौन होता है यहाँ पर जो एवेल्युएटर होता है उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि वो किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के कैरिकुलम की इवेल्यूएशन कर रहा है वो केवल कैरिकुलम की इवेल्यूएशन करता है केवल और केवल इवेलुएशन करता है उसे ये नहीं पता होता है कि इस इस कैरिकुलम का निर्माण जो था वो किस बेसिक पर्पज़ से किया गया था कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए गए थे कि अगर ये कैरिकुलम बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो इस प्रकार की आउटकम आएगी या इस प्रकार के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगी उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है एक इवेल्यूएटर को कि ये जो पर्टिकुलर कैरिकुलम जो जिसकी वो इवेल्यूएशन कर रहा है उसका बेसिक गोल क्या है या फिर उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो केवल इवेल्यूएशन करता है बस और बताता है कि इस की जो आउटकम्स हैं वो ये हैं क्लियर नाउ गोल फ्री इवेल्यूशन इवेल्यूएट आस्क वट डज द प्रोग्राम एक्चुअली डू ट डज द प्रोग्राम इंटेंडिड टू डू यानी कि केवल यहाँ पर यह बताया जाता है कि प्रोग्राम ने एक्चुअली क्या रिजल्ट दिया है ये नहीं बताया जाता है कि प्रोग्राम किस मंशा से हुआ था क्लियर गोल फ्री इवेल्यूएटर टू ऑब्जर्व एंड मेज़र ऑल एक्चुअल आउटकम्स यहाँ पर जो ऑब्ज़रवर होता है वो केवल ऑब्जर्व करता है और मेज़र करता है कि एक्चुअल आउटकम्स क्या हैं इफ़ेक्ट्स क्या हैं इम्पेक्ट्स क्या हैं इंटेंडिड और इंटेंडिड ऑल विदाउट क्यूड टू प्रोग्राम्स इंटेंशन यानी कि उस प्रोग्राम कि जब डेवलपमेंट हो रही थी तो जो डेवलपर थे जिन्होंने उस प्रोग्राम को डेवलप किया उनकी क्या मंशा थी उन्होंने किस प्रकार से काम को किया इस चीज़ से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है उसे खुद नहीं पता होता है कि वो जिस चीज़ की इवेल्यूएशन कर रहा है वो किन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के बनाया गया था इन दिस इवेल्यूएशन इवेल्युएट कंडक्ट्स द इवेलुएशन विदाउट पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ़ और रेफरेंस टू स्टेटेड और प्री डिटर्मिट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिवज़ उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि पर्टिकुलर जिस कैरिकुलम की वो इवेल्यूएशन कर रहा है वो किस प्री डिटर्मिट गोल्ड और ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया गया था वो वहाँ पर केवल रिजल्ट बताता है वो उस पर्टिकुलर कैरिकुलम की एक फुल इवेल्यूएशन करके केवल उसकी आउटकम के बारे में बताता है यहाँ पर क्लियर उसे खुद कोई नॉलेज नहीं होती है कि इस ये जो इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैरिकुलम के कौन से प्री डिटर्मिट गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर रहे हैं तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि गोल फ्री इवेल्युएशन यहाँ पर इवेल्यूएटर केवल ये देखता है कि आउटकम एक्चुअली क्या आई है उस आउटकम को किस प्रकार से किया गया किस प्रकार के उद्देश्यों का या लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था पहले कि भाई ये आउटकम आएगी उसे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है वो केवल उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक वैल्यूएशन करता है एक रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई ये आउटकम आई है और वो अपनी जो ऊपर वाली जो कमेटी है मैनेजमेंट कमेटी को वो सौंप देता है क्वेश्चन राइज वेन टू यूज गोल फ्री इवेल्यूएशन देखिये गोल फ्री इवेल्यूएशन का यूज वहां होता है वेन स्टेक होल्डर वॉन्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम आउटकम बहुत इंटेंडेड एंड इंटेंडेड यानी कि जिन्होंने उस प्रोग्राम जब स्टेक होल्डर से ये जानना चाहते हैं जो कि जुड़े होते हैं उस प्रोग्राम से पूरी तरह से कि क्या है उस प्रोग्राम उस मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को करते वक्त क्या रिजल्ट आए आउटकम्स क्या आई हैं चाहे वो आउटकम्स इंटेंडेड थी या अन इंटेंडेड थी यानी कि वो आउटकम्स हम जब जो भी उस प्रोग्राम को डिवेल्प कर रहे थे तो वो इंटेंशन उन, तो थी कि ये आउटकम आनी चाहिए चाहे उनकी इंटेंशन नहीं थी ये आउटकम नहीं आनी चाहिए कुछ भी है वट एवर वो केवल यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो केवल यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि आउटकम्स क्या है रिजल्ट क्या है बेसिकली क्लियर क्रिटिक्स नॉट फोकस्ड ऑन गोल्स यहाँ पर जो भी आ, 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 ये नहीं देखा जाता है कि गोल्स क्या थे केवल यहाँ पर यह देखा जाता है कि आउटकम क्या आई है रिजल्ट क्या आया है बस यहाँ पर वाइल इवेल्यूएटर्स हैव नो नॉलेज ऑफ प्रोग्राम गोल्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बेसिकली हियर इवेलुएटर्स वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ ए प्रोग्राम फ्रॉम डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज यहाँ पर जो इवेलुएटर होता है वो केवल ये देखता है कि उस प्रोग्राम पर्टिकुलर किसी भी प्रोग्राम को जब जब डिवेल्प किया गया है तो उसकी आउटकम क्या है उसके रिजल्ट है उसका क्या इंपैक्ट रहा है बस क्लियर और यहाँ पर वो डाटा चाहे वो कलेक्ट uh, कर सकता है ऑब्जर्व कर सकता है इंटरव्यू ले सकता है एक आउटकम की रिजल्ट को देखने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द एवेल्यूएटर क्योंकि यहाँ पर एवेल्यूटर को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये प्रोग्राम किन लक्ष्यों को दिमाग में रख कर के बनाया गया था यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताया जाता है वो केवल उस प्रोग्राम की जजमेंट करता है और उस आउटकम तक पहुँचता है वो चाहे डाटा कलेक्ट करे चाहे ऑब्जर्व करे चाहे इंटरव्यूज ले इट डिपेंड्स अपॉन एंड इवेल्युएटर कि वो किस प्रकार से आउटकम जो है वो बताएगा क्लियर नाउ नेचर ऑफ़ द्लो गोल फ्री इवेल्यूएशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर सेकेंड वन हेयर इंटरव्यूज आर अनस्ट्रक्चर्ड बट इवेल्युएटर हेयर आइडेंटिफाइज ओनली आउटकम देखिए जहाँ यहाँ पर जब जब इवेल्यूएटर जो होते हैं उस प्रोग्राम की आउटकम के बारे में पता लगा रहे होते हैं तो वो अगर ऑब्जर्व या फिर इंटरव्यू की टेक्निक का सहारा लेते हैं तो जितने भी इंटरव्यूज होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं क्योंकि उन्हें खुद उनके दिमाग में उन्हें पता नहीं है कि गोल्स क्या थे क्या थे उन्हें क्या पूछना है क्लियर अब यहां पर लेकिन वो कुछ जांच कर रही होती हैं जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या जांच कर रहे हैं वो उन, उन्हें उन्हें एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसके बारे में उन, उ, जिसके प्री डिटर्मिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बिल्कुल भी इवेल्युएटर को नहीं पता है क्लियर नाउ फॉर दिस इवेल्युएटर मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एवेल्यूशन यहाँ पर जो इवेलुएटर जब इवेल्युएशन कर रहा होता है तो उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि पर्टिकुलर कैरिकुलम की इवेल्युएशन किस प्रकार से की जाती है सेकेंड वन जो इवेल्यूएटर है वो पूरा कॉम्पिटेंसी होना चाहिए यहाँ पर कॉम्पिटेंसी यानी कि वो एक योग्य पर्सन होना चाहिए क्लियर थर्ड वन इवेलुएटर शुड बी फ्री ऑफ बायस यानी कि वो उसके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए जब भी उसको इवेल्यूएशन करनी है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो उसका जो उसका काम क्या है केवल यह देखना कि एक प्रोग्राम जो हो चुका है अब उसका रिजल्ट क्या आया है क्लियर देन अगर हम लोग गोल फ्री इवेल्यूएशन के प्रिंसिपल्स की बात करें देन फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई रेलिवेंट इफेक्ट्स टू एग्जामिन विदाउट रेफरिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि रेली रेलिवेंट इफ़ेक्ट क्या पड़ा है लेकिन पर्टिकुलर इवेल्युएटर को ये नहीं पता की रेफरिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ नहीं पता है लेकिन उसने ये बताना है कि जो प्रोग्राम हुआ है जो कैरिकुलम बच्चों को पढ़ा पढ़ाया जा चुका है ठीक है जिसकी नॉलेज बच्चों को दी जा चुकी है उसके रेलिवेंट इफ़ेक्ट्स क्या पड़े हैं सेकेंड वन आइडेंटिफाई वट अक्कर विदाउट द प्रम्पटिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि केवल यही आइडेंटिफाई करना आउटकम को आइडेंटिफाई करना है और लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को जो भी आउटकम के बारे में जांचना चाह रहा है जो इवेल्यूशन कर रहा है फाइनल आउटकम की उसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो यही बेसिकली फर्स्ट पॉइंट से ही मिलता जुलता पॉइंट है थर्ड वन डिटर्मिन इफ वट अक्कड़ कैन लॉजिकली बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्राम और इंटरवेंशन फोर्थ वन डिटरमिन द डिग्री टू विच द इफेक्ट्स आर पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल यानी कि बेसिकली यहां पर केवल यही बताया बताया गया है कि जो भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हुआ है जो भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पास्ट में डिवेल्प हो गया है अब यहाँ पर प्रेजेंट में उसके उ, 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 उसका क्या इफेक्ट रहा है चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो न्यूट्रल हो उससे कोई लेना देना नहीं है वो केवल एक फाइनल जो इवेल्यूएटर है वो एक फाइनल आउटकम जो आया है उसके बारे में वो ऊपर वाले पर्सनस को बना एक रिपोर्ट बना करके सौंप देगा देन इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी फॉर गोल फ्री इवेल्यूएशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है इम्प्लीमेंट की टेक्निक क्या है uh, इसके रिगार्डिंग आस्क क्वेश्चन एंड डिवाइस वेज टू फाइंड आंसर आंसर फाइंड आउट करने के लिए एवेल्यूटर क्या करेगा क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का वो यूज़ कर सकता है क्वेश्चन के आंसर्स लेने के लिए सेकेंड वन डिटर्मिन वट द इवेल्यूएशन विल डू एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल अब वो ये देखेगा कि जिस प्रकार की इवेल्यूएशन वो कर रहा है कौन सी उसको इवेल्यूएशन करनी है किस प्रकार की उसको किस प्रकार प्रकार से उसको अपनी इवेल्यूएशन के लिए स्टेप्स तैयार करने हैं और वो किस प्रकार से फायदेमंद रहेंगे देन थर्ड वो सेलेक्ट करेगा एक अप्रोप्रिएट मैथड्स को फॉर गैदरिंग डाटा एंड फोर्थ वन वो इंटरव्यू लेगा और बार बार इंटरव्यू लेता रहेगा जब तक कि एक अप्रोप्रिएट एक परफेक्ट और एक प्योर रिलायबल रिजल्ट एक आउटकम uh, उस प्रोग्राम की क्या आई है उसके बारे में वो ऊपर वाले पर्सनस को नहीं बता देता तो बेसिकली ये था आज का हमारा गोल फ्री इवेल्यूशन मॉडल जो कि केवल यही बता रहा है आपको ये ध्यान में रखना है कि स्क्रीवेन के द्वारा दिया गया ये मॉडल है इसमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि जब भी इवेल्यूएटर कैरिकुलम की इवेल्यूएशन करता है कि क्या रिजल्ट आया है आउट वो केवल यहाँ पर ये देखता है कि आउटकम क्या आई है इस कैरिकुलम की डिवेलपमेंट के बाद आउटकम क्या आई है वो ये नहीं बताता है कि ये जो कैरिकुलम था वो किस प्रकार से डिवेल्प किया गया उसके क्या गोल्स से क्या ऑब्जेक्टिव से उसको कुछ नहीं बताया जाता है वो खुद से उस कैरिकुलम का इवेल्यूएशन करता है और फिर बाद में ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की डेवलपमेंट के बाद इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की लॉन्चिंग के बाद ये वाली आउटकम जो है वो आई है आई होप इट्स क्लियर टू यू थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट